अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा राजपूत यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूं एक पजल नेम वीडियो स्टेटस। तो यहां पे गाइस मैं आपको एक डेमो प्ले करके दिखा देता हूं। तो गाइस, जैसे कि आपने डेमो वीडियो में देखा, इस तरह के गाइस जो से काफ़ी ज़्यादा स्टेटस जो से गाइस मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे सेंड किए गए थे और कहा था कि इसका ट्यूटोरियल लेके आए। तो फाइनली गाइस जो से मैं इसका ट्यूटोरियल ले आया हूँ। तो इस तरीके का जो से स्टेटस है वो गाइस बहुत ईजिली आप जो से अपने मोबाइल के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को गाइस आपने शुरू से लेकर एंड तक लास्ट में देख लेना, क्योंकि गाइस स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गाइस आप अपना खुद का नेम का पहले इमेज किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे बैर कभी भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी डेली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए गाइस मिनट टाइमस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कि सबसे पहले आपने जो से यहाँ पे पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन है वो ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी से गाइस आपने वो इमेज ऐड कर लेनी जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड की होगी। तो ये गाइस वो इमेज है। देन गाइस आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद न्यू टेक्स्ट के ऊपर गाइस आपको जो है यहाँ पे एक लेटर जो है वो गाइस आपको यूज़ कर लेना है। तो जैसे कि इसमें यहाँ पे आर यूज़ कर लेता हूँ, देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं गाइस जो है यहाँ पे एक फॉन्ट यूज़ करूँगा जो सा गाइस आपका दिल जाता है अब गाइस वो वाला फॉन्ट जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं एक फाउंड यूज़ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो मैं फाउंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, माय फाउंड के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे कि इसमें आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फाउंड का नेम दे दूंगा, तो वो गाइस आपने जो है यहाँ पे ऐड कर लेना। तो फिलहाल जो है यहाँ पे एक लेटर जो है वो कट हो रहा है, तो यहाँ पे जो मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि लेटर जो है कट ना हो। देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो है इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना छोटा करके, जितना गाइस आपको अच्छा लगता है। तो मैं जो है इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे करना है कि यहाँ पे गाइस आपको एक गाइस आपको यहाँ पे स्ट्रोक का एक ऑप्शन आएगा, तो आपने गाइस इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद इसका गाइस जो आपको कलर है वो गाइस आपको वाइट चूज़ कर लेना है। फिर से गाइस आपने इसकी फोर ही रहने देनी। देन ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कलर का, तो गाइस आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन के ऊपर जाकर यहाँ से गाइस आपने जो इसकी ओपेसिटी है वो गाइस आपको जीरो कर लेनी। देन ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस आपको एक और ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ शेडो का, तो गाइस आपने इसके ऊपर क्लिक करना रहना। यहाँ से गाइस आपने इसको अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद कलर गाइस आपको चूज़ कर लेना है रेड। रेड चूज़ करने के बाद नीचे गाइस आपको एक और ऑप्शन आएगा ग्लो आउटर ग्लो का, तो गाइस आपने इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद गाइस आपने देख लेना है कि इसका गाइस जो है ओपेसिटी वो गाइस आप धीमी करना चाहते हैं या हाई। तो मैं जो है इसको तकरीबन कोई 84-85 के करीब कर लूँगा। देन गाइस जो नीचे आ जाता है ब्लर रेड्यूस, तो इसको जो है इसमें थोड़ा सा भरा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं गाइस इसको इसी तरीके से एडजस्ट कर दूँगा, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अगर ना है तो गाइस आपने जो है पोजीशन वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इसको माइनर सा गाइस जो है आगे पीछे कर लेना। देन ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपको दोबारा फिर टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे गाइस आपने अपना नेम लिख लेना है, तो आपकी मर्जी गाइस आप इसको जिस तरह चाहे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि नेम को नीचे गाइस अपना नेम लिख ले, ऊपर गाइस किसी का नेम लिख ले, वो गाइस आपकी मर्जी। देन गाइस आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे करना है सेम गाइस आपको वहीं प्रोसेस करना है। यहाँ पे गाइस आपको सबसे पहले कलर जो समय जो से इसका ख़त्म करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से जीरो कर दूँगा कलर। देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे फिर ओके के ऊपर आगे जाऊँगा। यहाँ पे गाइस आपको एक स्ट्रोक का ऑप्शन आएगा, तो गाइस आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपने स्ट्रोक का जो सा कलर है वो गाइस आपको चूज़ कर लेना है वाइट। देन ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस आपको अब करना है कि यहाँ पे गाइस आपको फाउंड यूज़ करना है। तो फाउंड देख लेते कौन सा, ये गाइस फाउंड आ चुका है। माय फाउंड वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर यहाँ पे गाइस ये फाउंड ऐड कर लूँगा। देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका साइज जो सा इसमें भरा लूँगा कुछ इस तरीके से। भराने के बाद इसको जो सा इसमें बिल्कुल इसके ऊपर करके यहाँ पर ऐड कर दूँगा। साइज थोड़ा और इंक्रीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब गाइस अगर आपको इसका आउटलाइनिंग जो सी ज़्यादा बोल्ड लगे, तो गाइस आप जो से इसको स्ट्रोक में जाके गाइस आप जो से इसकी विड्थ है वो गाइस आप कम कर सकते हैं, वरना गाइस जो सी विड्थ है वो गाइस आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। तो इसकी जो से इसमें विड्थ इतनी ही रहने दूँगा। आर की जो से इस विड्थ है वो गाइस मैं थोड़ी कम कर दूँगा कुछ इस तरीके से। देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपको सेम यही प्रोसेस यहाँ पे करना है। यहाँ पे गाइस आपको एक फिर एक ऑप्शन आ जाएगा शेडो का, तो गाइस आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद यहाँ से गाइस आपको जो सा आउटर ग्लो को भी गाइस आपको अनेबल कर लेना है। यहाँ से गाइस आपको कलर जो सा ये वाला चूज़ कर लेना है। देन ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपने जो सा अपना नेम लिखा होगा उसमें उसके ऊपर गाइस आपको करना है कि इसको गाइस आपने जो सा रेडी पोजीशन में जाके मिड में ऐड कर लेना। मिड में ऐड करने के बाद अब गाइस आपने सेव एज इमेज के ऊपर जाके इस इमेज को गाइस आपने सेव कर लेना है। लेकिन यहाँ पे गाइस जो आपने डिफॉल्ट चूज़ करना है अगर पहले से ना हो, सेव टू गैलरी के अंदर गाइस मैं जो इसको सेव कर लेता हूँ। अब गाइस अगर आप चाहते हैं कि इसका जो सा कलर है वो गाइस आप चेंज कर सके, तो गाइस सेम तरीका मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है।
यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन के ऊपर जाके वहीं गाइज आपको इमेज ऐड करनी जिसके ऊपर गाइज आपने नेम ऐड किया है। ऐड करने के बाद यहाँ पे गाइज आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे गाइज आपने जो उसे एंड वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे गाइज आपको एक ऑप्शन आ जाएगा ह्यूज का, तो गाइज आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से गाइज आप जो उसे इसका कलर है वो गाइज आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं, तो इसको ये वाला कलर कर देता हूँ, देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। लेकिन यहाँ पे जो सा मैंने पहले ऐड किया होगा उसको मैं डेल कर दूँगा। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं इसका कलर जो सा है चेंज हो चुका है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कोई सा भी कलर जो सा गाइज आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं ये ब्लू आ चुका, देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं गाइज इसको भी सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं आपका जो सा गाइज नेम आर्ट वीडियो है या नेम आर्ट जो सी इमेज है वो गाइज क्रिएट हो चुकी है। अब गाइज आपको यहाँ पे करना है कि यहाँ पे गाइज मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन के अंदर गाइज मैंने आपको एक ऐप का लिंक दिया होगा, वो गाइज आपको ऐप जो से डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद उस ऐप को जो सा गाइज आपने ओपन कर लेना है जिसका नाम है MV मास्टर। तो यहाँ से गाइज जो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइज आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे गाइज आपने जो है स्टार्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइज आपको एक ऑप्शन आएगा क्रिएट वीडियो का, तो गाइज आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। लेट्स स्टार्ट ऐप, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइज आपके सामने जो है वो वीडियोज़ वगैरह ऐड हो जाएगी या स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं वीडियो जो है किसी यहाँ पे शो हो चुकी है। यहाँ पे गाइज आपको काफ़ी सारी जो है वीडियोस मिल जाएगी। लेकिन गाइज ये एप्लीकेशन का मैं आपको इसलिए रिव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे गाइज आपको वाटरमार्क शो नहीं होगा, इसलिए गाइज मैं ये वाली जो सी है आपके लिए एप्लीकेशन लेके आया हूँ। यहाँ पे गाइज आप कोई सी भी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं जो सी गाइज आपको यहाँ पे दिख ली है। वैलेंटाइन डेट गाइज ऑलरेडी आ रहा है, तो इसके ऊपर गाइज आप जो सी यहाँ पे वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज आपको वैलेंटाइन डे की जो सी गाइज इमेज वाली या वीडियो वाली जो सी गाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके की वीडियोज़ होगी वो गाइज आप क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी वाटरमार्क के। तो अब मैं गाइज आपको दिखा देता हूँ कि आपने वो पज़ल वाली जो सी वीडियो है वो कैसे गाइज आपने यहाँ पे सर्च करनी है। तो सर्च टैब के ऊपर गाइज आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइज आपको लिखना है पज़ल PUZZ। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं आ चुकी है अली पज़ल, पूरा ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइज आपके सामने चार किस्म की वीडियोज़ आ जाएगी, इनमें से गाइज आप कोई सी भी वीडियो बना सकते हैं। लेकिन गाइज जो सी आजकल ट्रेंड के ऊपर जा रही है वो गाइज एंड वाली है, तो इसके ऊपर गाइज मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइज आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा एडिट का, तो गाइज आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये गाइज उनसे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुकी है। तो अब गाइज आपको नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा प्लस का, तो गाइज आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइज आपने वो इमेज ऐड कर लेनी जिसको गाइज आप पज़ल स्टेटस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे गाइज आपने नेम आर्ट क्रिएट किया था। तो यहाँ पे गाइज मैं रेड वाला ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे गाइज आपने जो इसको भरा लेना जितना भी गाइज आप भराना चाहते हैं, फुल में भरा लूँगा। देन गाइज आपने क्रॉप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइज आपने एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर अब आपने क्लिक कर लेना है। तो ये जो है गाइज अब वीडियो जो है एक्सपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लेगी, उतनी देर के लिए गाइज जो मैं इस वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं वीडियो जो गाइज हमारी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुकी है। यहाँ से गाइज मैं बैक के ऊपर जाके गैलरी में गाइज आपको दिखा देता हूँ वीडियो गाइज हमारी किस तरीके की एक्सपोर्ट हुई है और यहाँ पे गाइज जो वाटरमार्क शो हुआ है या नहीं। तो ये क्रिएट के ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पे गाइज मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कोई भी गाइज उनसे यहाँ पे वाटरमार्क इस टाइम शो नहीं हुआ। तो इस तरीके से गाइज आप जो सी एक खूबसूरत पज़ल वाली वीडियो जो सी सफर अपने मोबाइल के ऊपर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइज आप कोई भी अपनी इमेज लगा के भी गाइज इस वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक रहते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।